पहला न्यूमेरिकल है वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू ई मैक्स फॉर मून इज गिवन, मतलब मून के लिए मून अपने अंदर से लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। देखो सन से लाइट ले रहा है, चमक रहा है, सन से लाइट लेके अपने उसका टेम्परेचर टी हो गया, अब वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, इट्स अ हॉट बॉडी, तो एनर्जी जो बाहर फेंक रहा है उसका उसका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, ऐसा ही बनेगा जो वेन ने बताया था। तो जब उसकी लाइट का मैक्सिमम एनर्जी होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू कितनी थी लैम्डा की, 14 माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब 10^-6 माइक्रोमीटर। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून निकालो क्या होगा, बी की वैल्यू आपको पता है। देखो जब आपको लैम्डा दे रहा है और टेम्परेचर पूछ रहा है तो लॉ ही एक है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, तो यहां से टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। जब आपको ई दे रहा है और टेम्परेचर पूछेगा तो ई सिग्मा इंटू टी की पावर 4, जब आपको लैम्डा दे रहा है और टेम्परेचर पूछ रहा है तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। जैसे ये क्वेश्चन है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी इज 1227 केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 1500 केल्विन है, फाइंड द वेवलेंथ एट विच इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर दे दिया, बी हमें पता है, लैम्डा एम की वैल्यू आ गई, सिंपल है ये भी। जैसे स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज मैक्सिमम एट 4753 एंगस्ट्रॉम, कह रहे जी सन है, सन ने अपनी एनर्जी बाहर निकाली और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो लैम्डा एम की इतनी थी, जब टेम्परेचर सन का कितना था, 6050 केल्विन था। अब वो कह रहे जी बताओ टेम्परेचर स्टार का क्या होगा जिसका लैम्डा एम इसके इक्वल है, तो आपको दो चीजें गिवन है, एक सन लैम्डा एम और टी गिवन है, एक स्टार, स्टार का लैम्डा एम डैश और टी डैश निकालना है। अब वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट, चाहे स्टार हो चाहे सन हो, इनका प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, यहां से टी डैश कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक, यहां से टी डैश की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट एन इनडायरेक्टली हीटेड फिलामेंट इज रेडिएटिंग मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ गिवन, फाइंड नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पता है और बी पता है और सिग्मा पता है। देखो हिंट दे रहा है, बी का मतलब वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगेगा, सिग्मा का मतलब स्टीफन लॉ भी लगेगा। अब करना क्या है, आपको एक फिलामेंट दे रहा है, फिलामेंट का लैम्डा एम दे रहा है, इतनी स्टेटमेंट से कम टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट कैन बी कैलकुलेटेड, लैम्डा एम दे रहा है तो टी आ जाएगा, एक बात खत्म हो गई। तो फिलामेंट का टेम्परेचर आ गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको ऑलरेडी दे रहा है वो कि 13 डिग्री सेल्सियस का मतलब 286 केल्विन। क्या निकालना है, कितनी एनर्जी उस फिलामेंट में से बाहर निकलेगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो ई निकालना है। तो ऑब्वियसली फिलामेंट का टेम्परेचर आपने वेन से निकाल दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको पता है और इसमें एमिसिविटी गिवन नहीं, तो इट इज ट्रीटेड एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो लगना तो इसमें स्टीफन था, अब प्रॉब्लम यह है कि हमें फिलामेंट का टेम्परेचर नहीं पता था, हमें फिलामेंट का लैम्डा पता था, तो लैम्डा से टेम्परेचर निकाला और यहां पे पुट करके आंसर आ गया। ठीक है यहां तक,